राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में प्रवेश कर चुके हैं। सियासी ऊंच नीच के चलते भी फिलहाल यात्रा में गहलोत पायलट साथ दिख रहे हैं और निर्धारित तरीके से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा धीरे धीरे आगे भी बढ़ रही है। ये यात्रा अलवर होते हुए हरियाणा में प्रवेश करेगी। भारत जोड़ो यात्रा 19 दिसंबर को अलवर सीमा में प्रवेश करेगी, जहां अलवर कांग्रेस कमेटी द्वारा स्वागत किया जाएगा। वहीं 19 तारीख को मालखेड़ा में राहुल गांधी की सभा भी रखी गई है। इस वीडियो में आपको अलवर के दोनों दिनों की कंप्लीट रूट चार्ट के बारे में बताएंगे। भारत जोड़ो यात्रा दौसा जिले के बसवा से अलवर सीमा में 19 दिसंबर को प्रवेश करेगी। यहां सुबह करीब 10 बजे राहुल भारत जोड़ो यात्रा अलवर के सुरेर की ढाणी पहुंचेंगे। यहां से राहुल गांधी मालखेड़ा पहुंचेंगे, जहां वह सभा को संबोधित करेंगे। करीब 42 बीघा जमीन को समतल कर खेतों में सभा स्थल तैयार किया गया है। यहां सभा में करीब 4 लाख लोगों की भीड़ जुटने का दावा किया जा रहा है। इसकी तैयारियों का जायजा लेने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी सभा स्थल सहित पूरे रूट का मुआयना कर चुके हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली और पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह भी लगातार एक एक व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं। जितेंद्र सिंह ने बताया, भारत जोड़ो यात्रा कई राज्यों से होकर राजस्थान पहुंची है। इनमें सबसे अच्छा माहौल अरवल में मिलेगा। यहां विभिन्न धर्म और संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। इसके अलावा जितेंद्र सिंह ने कहा है कि ये रैली ऐतिहासिक होगी। विभिन्न सामाजिक, धर्म और सांस्कृतिक संस्थाओं को जोड़ा गया है। वहीं जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष योगेश प्रधान ने बताया कि 20 दिसंबर को अलवर शहर में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कटी घाटी से होगी। राहुल गांधी यहां से पैदल मार्च करते हुए भावनी तो फूलबाग मोती डूंगरी होते हुए भगत सिंह सर्कल से नमन होटल की तरफ घूम जाएंगे। यहां से ये यात्रा रामगढ़ की तरफ निकल जाएगी। जिस रूट से राहुल गांधी अलवर में पैदल गुजरेंगे, उस रस्ते को विशेष रूप से चमकाया जा रहा है। यहां डिवाइडर की रेलिंग पर पेंट का काम चल रहा है, तो सड़कों को रिपेयर किया जा रहा है। वहीं रास्ते में आने वाले बड़े बड़े पेड़ों को भी हटाया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने बताया, सभा की तैयारियों को लेकर 20 कमेटियों का गठन किया गया है, जिसमें सबको अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। अब गांव गांव प्रचार रथों को रवाना किया जा रहा है। लोगों को ज्यादा से ज्यादा सभा में आने के लिए निमंत्रण दिया गया है। जूली ने कहा, आज देश में महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। इन सब बातों को लेकर राहुल गांधी इस यात्रा पर निकले हैं। ऐसी यात्रा शायद ही पहले कभी हुई है। इन दिनों पूरे शहर को, खासकर जिस रूट से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकलेगी, उसे चमकाया जा रहा है। 20 दिसंबर को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सुबह करीब 6 बजे कटी घाटी से शुरू होगी, जो शहर से होते हुए रामगढ़ मोड़ पर लोहिया का तिबारा पहुंचेगी, जहां मोदी गढ़ में उनके भोजन की व्यवस्था रहेगी। इसके बाद राहुल गांधी मगढ़ का तिराहे तक गाड़ी में जाएंगे। वहां से रामगढ़ तक राहुल गांधी पैदल यात्रा करेंगे या नुक्कड़ सभा होगी। उसके बाद राहुल गांधी बीजवा पहुंचेंगे, जहां उनका रात्रि विश्राम रहेगा। 21 दिसंबर को सुबह बीजवा से अल सुबह करीब 8 किलोमीटर का सफर तय कर हरियाणा बॉर्डर गांव मोदुंका पहुंचेंगे, जहां सुबह 6 बजे हरियाणा में प्रवेश कर जाएंगे।